Hello, my all dear friends. I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel, English Master. Dear friends, today we are going to learn our new lecture. This is about some useful sentences which are really important to speak English. अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण वाक्य है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो आज से हम महत्वपूर्ण सेंटेंसेस उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड उसके बाद सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि वर्ड्स कैसे होते हैं, वर्ड्स कैसे बनाते हैं. अगर किसी ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो. डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर फिनिश होने के बाद अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. एज पर दैट यू विल गेट द रिप्लाई एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल. ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है. आई एम नीता, मुझे मेरा नाम बताना है तो मैं क्या सेंटेंस यूज करूंगी. आई एम उसके बाद मेरा नाम, इस हिसाब से आपको अपना नाम बताना है. इसका मतलब है मेरा नाम नीता है. मैंने हर एक सेंटेंस अंग्रेजी में जो दिया है उसका मीनिंग हिंदी में भी बताया है, जिसके कारण अगर आपको कुछ दिक्कत आती है लेक्चर पढ़ने में तो वो सॉल्व हो जाएगी. उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो है, डियर फ्रेंड्स, दिस इज आई एम अ टीचर. मेरा मैं प्रोफेशन बता रही हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ. अगर आपको आपका प्रोफेशन बताना है एज पर योर प्रोफेशन, अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या बोलोगे? आई एम अ स्टूडेंट. अगर आप किसी जगह पे डॉक्टर हो तो आप बोलोगे आई एम अ डॉक्टर. उसके बाद अगर आप इंजीनियर हो तो आप बोलोगे आई एम एन इंजीनियर. उसके बाद आपका जो प्रोफेशन है, आई एम अ फार्मर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी आपका काम है वो आप वहाँ पे वर्ड ऐड कर सकते हो. डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेकेंड वाला स्लाइड देखेंगे. थर्ड सेंटेंस जो है हमारा, आई एम अ स्टूडेंट. जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको अपना प्रोफेशन बताना है तो थ्री वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आई एम अ, उसके बाद आप अपना प्रोफेशन ऐड कर सकते हो. यानी कि इसका मतलब है मैं एक छात्र हूँ. अगर आप किसी जगह पे काम करते हो, नौकरी करते हैं, तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे? तो ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप देखिए, आई एम वर्किंग इन बजाज कैपिटल. मैं बजाज कैपिटल में काम करती हूँ. अगर आप कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी सेक्टर में काम कर रहे हो, आपका अगर ऑफिस का कुछ नाम है, आपका कंपनी का कुछ नाम है, तो आप वैसे कंपनी का नाम ऐड कर सकते हो. लेकिन सेंटेंस बनाते समय यहाँ पे चार महत्वपूर्ण वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने हैं. आई एम वर्किंग इन, उसके बाद आप अपने कंपनी का, अपने ऑफिस का नाम वहां पे ऐड करो. इसका मतलब हो जाता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो. जैसे कि आई एम वर्किंग इन बजाज कैपिटल, यानी कि मैं बजाज कैपिटल में काम करती हूँ. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप अपना ओन बिजनेस है आपका, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो क्या सेंटेंस बनाओगे? आई एम डूइंग बिजनेस. ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब है मैं व्यवसाय करती हूँ. तो अगर आपका कुछ बिजनेस है तो आप इसी प्रकार से ये सेंटेंस बनाइए. उसके बाद की स्लाइड देखिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रही है. अगर आप कहीं पे अभी तक जॉब ही सर्च कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए नहीं हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप अपने वो सेंटेंस आप कैसे यूज करोगे? तो ये स्क्रीन के ऊपर रहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. यानी क्या? मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद का जो सेंटेंस है, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप घर में हो, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? दैट टाइम विच सेंटेंस इज यूजफुल? तो ये वाला सेंटेंस, आई एम अ हाउसवाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ. उसके बाद की जो स्लाइड है, सेंटेंस पढ़ेंगे हम, ही इज माई फादर. अगर आप अपने पिताजी की पहचान किसी को करें, आपके पिताजी आपके साथ में अगर आए हैं एंड आपका कोई फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, यानी कि और कोई न्यू पर्सन आपके सामने खड़ा है, अगर आपको अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे बताओगे? हिंदी में तो हम बोल लेते हैं वह मेरे पिताजी है, लेकिन अंग्रेजी में बताते वक्त आप क्या बोलोगे? He is my father. Okay? अगर वैसे उसे ऐसे ही, अगर आपकी माताजी वहां पे कहीं खड़ी है और आपको बताना है
वो मेरी माँ है, तो उसके लिए सेंटेंस क्या होगा? शी इज माई मदर। आपको आपके बड़े भाई का इंट्रो करवाना है, तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे? वह मेरे बड़े भाई है, सेंटेंस हो गया ही इज माई एल्डर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इसका प्रिविजन कीजिएगा। उसके बाद का सेंटेंस है ही इज माई यंगर ब्रदर, इसका मतलब हुआ वह मेरे छोटे भाई है। अभी देखिए ध्यान से, पहले वाले इसमें हमने क्या पढ़ा? ही इज माई एल्डर ब्रदर यानी वो मेरे बड़े भाई है। एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई एंड यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई। ही इज माई यंगर ब्रदर यानी वह मेरे छोटे भाई है। उसके बाद आपको आपके सिस्टर का इंट्रो करवाना है, तो आप क्या बोलोगे? शी इज माई एल्डर सिस्टर यानी क्या? वह मेरी बड़ी बहन है। एंड अगर आपको अपनी छोटी बहन का इंट्रो करवाना है, तो आप क्या बोलोगे? शी इज माई यंगर सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एल्डर यानी बड़े, यंगर यानी छोटे। एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई, यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई, एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन, यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड हम पढ़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। अगर आपको आपके दादाजी के बारे में बताना है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज माई ग्रैंड फादर। दादाजी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है ग्रैंड फादर। फादर यानी पिताजी एंड ग्रैंड फादर यानी हमारे दादाजी। ही इज माई ग्रैंड फादर, वह मेरे दादाजी है। शी इज माई ग्रैंड मदर। मदर यानी माँ, यह हम सबको पता है। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। शी इज माई ग्रैंड मदर यानी वह मेरी दादी माँ है। उसके बाद का सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ही इज माई नेबर। अगर आपके पड़ोसी कहीं पे खड़े हैं और आपको बताना है, तो आप क्या बोल कौन सा वर्ड यूज करोगे, कौन सा सेंटेंस यूज करोगे? ही इज माई नेबर, वह मेरे पड़ोसी है। यहाँ पे नेबर यानी पड़ोसी। उसके बाद की जो स्लाइड है वो आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो दिख रहा है या वह है ही इज माई क्लासमेट, यानी कि आप अपने क्लासमेट के बारे में, आपका स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, अगर आप एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे? ही इज माई क्लासमेट, वह मेरा सहपाठी है। अगर आपकी कोई गर्ल फ्रेंड है, तो उसमें आप क्या बोलोगे? शी इज माई क्लासमेट यानी वह मेरी सहपाठी है। उसके बाद ही इज माई कॉलीग। कॉलीग यानी क्या? सहयोगी। यानी अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहां पे तो आप क्लासमेट नहीं बोल सकते, फ्रेंड नहीं बोल सकते, तो आप क्या बोलोगे? ही इज माई कॉलीग यानी वह मेरा सहयोगी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जो सेंटेंस दिख रहा है, शी इज माई कॉलीग। शी इज माई कॉलीग यानी वह मेरी सहयोगी है। उसके बाद का जो सेंटेंस है वह है ही इज माई अंकल, वह मेरे चाचा है। एंड उसके बाद का जो सेंटेंस है, शी इज माई आंटी, वह मेरी चाची है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक आपको टिप देना चाहती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अंग्रेजी में, इंग्लिश में, आपकी चाची हो, आपकी बुआ हो, आपकी मामी हो, कोई भी आपके फैमिली मेंबर में आपका जो भी रिलेटिव है, अगर उनको आपको इंट्रो करना है, तो आप क्या बोलते हो? शी इज माई आंटी। आंटी यानी उसमें वो आपकी ग्रैंड चाची भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, तो उसके लिए एक ही वर्ड है, वो है शी इज माई आंटी। उसके बाद आपके चाचा हो, आपके मामा हो, आपके फूफा जी हो, तो उनके लिए आपको क्या ये वर्ड यूज करना है? एक ही वर्ड है, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, ही इज माई अंकल यानी वह मेरे चाचा है। शी इज माई आंटी, वह मेरी चाची है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको एज पर दैट रिप्लाई आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो टोटल मैंने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए, उसकी रिवीजन कीजिए। लेक्चर आप पॉज करके, स्लाइड पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में आने के लिए कुछ दिक्कत होती है, तो आप लेक्चर बार बार भी देख सकते हो।
अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे कि अगर किसी ने आपको कुछ सवाल पूछा तो उसका जवाब आपको कैसे देना है, या फिर आपको अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हो, और आगे के इंसान का आंसर एज पर दैट कैसा चाहिए, इसके बाद का लेक्चर जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।